नमस्कार दोस्तों, यदि आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं कि कॉपीराइट क्लेम एंड कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या अंतर होता है। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और समझ लेते हैं कॉपीराइट क्लेम एंड कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या अंतर होता है, वो भी बिल्कुल बारीकी से। दोस्तों, पहले हम समझेंगे कॉपीराइट क्लेम हमारे यूट्यूब चैनल पर कब आता है, कॉपीराइट क्लेम से हमारे चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कॉपीराइट क्लेम को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। फिर दोस्तों, हम समझेंगे कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कॉपीराइट क्लेम के बारे में बिल्कुल बारीकी से। दोस्तों, कॉपीराइट क्लेम ज़्यादातर हमें अपने YouTube वीडियोस पर या फिर हमें अपने YouTube चैनल पर इसलिए देखने को मिलता है, आप लोग क्या करते हो, ऐसे म्यूजिक को अपनी वीडियोस में डाल देते हो जो कॉपीराइट फ्री नहीं होते। हाँ दोस्तों, आप क्या करते होगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों का म्यूजिक उठाकर आप अपनी वीडियो में डाल देते होगे, फिर आपको जो है अपने YouTube चैनल पर कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलता होगा। यदि दोस्तों आप ऐसी गलतियाँ करोगे तो आपको अपने YouTube चैनल पर कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये म्यूजिक कॉपीराइट फ्री नहीं होते हैं। बड़ी बड़ी म्यूजिक के कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों के यदि आप म्यूजिक अपनी वीडियो में डाल दोगे तो आपको जो है कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा रीजन यही हो सकता है। दूसरा कारण यह है दोस्तों कि आप क्या करते हो, किसी भी म्यूजिक को उठाकर यदि आप डाल देते हो, यदि उन्होंने क्या होगा, यदि उन्होंने क्या ले रखी होगी, कंटेंट आईडी। यदि दोस्तों उन्होंने कंटेंट आईडी ले रखी होगी, बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं वह यूट्यूब से कंटेंट आईडी ले रखते हैं, वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े जो क्रिएटर होते हैं वो यूट्यूब से कंटेंट आईडी को ले लेते हैं। जब भी आप उनकी कोई भी वीडियो को, कोई भी म्यूजिक को आप अपने यूट्यूब चैनल पर डालोगे या फिर यूज करोगे अपनी वीडियोज़ पर, तो दोस्तों आपको तुरंत ही आपके यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, क्या रीज़न हो सकता है कि आप दूसरों की वीडियो को उठाकर यदि आप अपने YouTube चैनल पर डालोगे तो भी दोस्तों आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल सकता है। फिर दोस्तों, वह उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कॉपीराइट क्लेम दे देते हैं और कुछ लोग कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। यदि दोस्तों 90 दिनों के अंदर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाती हैं तो यूट्यूब हमारे चैनल को टर्मिनेट कर देगा। दोस्तों, कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में बिल्कुल बारीकी से इसके बाद समझेंगे, पहले हम कॉपीराइट क्लेम के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कॉपीराइट क्लेम हमारे चैनल पर कब देखने को मिलता है। दोस्तों, कॉपीराइट क्लेम से हमारे चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप चाहे दोस्तों कॉपीराइट क्लेम को रिमूव भी कर सकते हो। यदि दोस्तों आपने बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियों का म्यूजिक अपनी वीडियो में डाला हुआ है जिसके कारण आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को मिला है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब की लाइब्रेरी से म्यूजिक को रिप्लेस कर सकते हो, उस म्यूजिक को हटाकर दूसरा म्यूजिक डाल सकते हो, आपका कॉपीराइट जो है कॉपीराइट क्लेम उस वीडियो से रिमूव हो जाएगा। दोस्तों, जब हमारी वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे जो भी पैसा मिलता है, वो उस ओनर को चला जाता है जिसका आपने म्यूजिक यूज किया हो या आपने उनकी वीडियो यूज करी हो, उन ओनर को चला जाएगा पूरा का पूरा पैसा। दोस्तों, इसमें एक और होता है, आप मोनेटाइजेशन शेयरिंग भी कर सकते हैं कि 50% पैसा आपको मिले और 50% पैसा उनको मिले जिनका आपने म्यूजिक यूज किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो आपके साथ जो है रेवेन्यू शेयर करे, वो क्या करते हैं पूरा का पूरा रेवेन्यू खुद अपने पास रख लेते हैं यदि आपका चैनल मोनेटाइज है। दोस्तों, आप कॉपीराइट क्लेम के बारे में बिल्कुल बारीकी से समझ गए होंगे, अब हम समझ लेते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। दोस्तों, कॉपी से ही अर्थ निकल रहा है कि कॉपी मतलब कि दोस्तों आप दूसरों की वीडियो को उठाकर सीधे अपने यूट्यूब चैनल पर डालोगे तो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक 90 दिनों के अंदर आ जाते हैं तो आपका YouTube चैनल YouTube टर्मिनेट कर देगा, डिलीट कर देगा। दोस्तों, यदि आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो कॉपीराइट स्ट्राइक से चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ता है समझ लेते हैं। दोस्तों, यदि आपके YouTube चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो आप अपने YouTube चैनल पर 7 दिन तक कार्य नहीं कर सकते, 7 दिन तक कोई भी वर्क नहीं कर सकते, ना ही आप YouTube पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ना ही आप कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं,
हैं, ना ही आप दोस्तों जो भी वीडियो आपके YT स्टूडियो में डली होगी आप उसे भी पब्लिश नहीं कर सकते, ना ही दोस्तों लाइव सेशन कर सकते हैं। दोस्तों आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि जब भी आपके यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आए, ये सभी ऑप्शन आपके चैनल को बंद कर दिए जाए, ये सभी ऑप्शन आपके चैनल से बंद कर दिए जाए, या फिर किसी एक ऑप्शन को बंद किया जा सकता है। शायद यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट को क्लोज कर दे, कम्युनिटी पोस्ट वाले ऑप्शन को बंद कर दे और सभी ऑप्शन को जो है ओपन बना रहने दे, और कुछ कंडीशंस में सभी ऑप्शन बंद हो सकते हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे कॉपीराइट क्लेम्प एंड कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या अंतर होता है। यदि दोस्तों अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, यूजर नेम है rptechnical8920। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, पसंद नहीं आई है तो वीडियो को डिसलाइक कर देना।